कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी का एक दिन। जिंदगी में घटी दो तरह की घटनाएं, कहीं पर आया गुस्सा, कहीं खुलकर मुस्कुराई। स्मृति की सियासत की जिंदगानी, एक दिन में दो तरह की सामने आई कहानी। दोपहर का पहर, स्मृति से सवाल जवाब, स्मृति ने ऐसा दिया कि वो हिल गया और सबने स्मृति को घेर लिया। दोपहर का वही पहर, एक बुजुर्ग से स्मृति मिली, दिल खोल कर क्यों हंसने लगी। 9 जून को स्मृति ईरानी अमेठी में थी, वहीं से दो वीडियो वायरल हुए जो स्मृति की सियासी सोच की दो कहानी बयां कर रहे हैं। इस वीडियो में स्मृति ने कुछ ऐसा किया, ना सिर्फ राहुल की कांग्रेस बल्कि सोशल मीडिया पर मोदी विरोधी पत्रकारों ने स्मृति ईरानी से खूब मौज ली। सबसे पहले सुनिए स्मृति ईरानी इस वीडियो में पत्रकार से क्या कह रही है। क्षेत्र का अपमान मत करो, तुम भास्कर से हो तो क्या? नहीं नहीं, भास्कर से कोई मतलब नहीं, अपमान करने वाले दैनिक भास्कर से आप सबसे मुखर सांसद और एक मुखर नेता है जी। लेकिन दैनिक भास्कर से हो तो सलोन विधानसभा मेरी विधानसभा है, लोकसभा क्षेत्र की जी। आप अपमान मत करो जी। लेकिन मैम, अगर आप इस क्षेत्र में आई हैं तो फिर दो शब्द बोल दिया दीदी, दो शब्द मैम आप बोल दीजिए, दो शब्द माइक लाओ यार। क्षेत्र का अपमान कर दे पत्रकार होते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपके क्षेत्र का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रही हैं तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ। मतलब आप दो सर बोल दीजिए, बोलना नहीं चाह रही हैं। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया, तो मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी, पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करने। नहीं मैं कोई कोई अग्रवाल जी है ना, कोई अपमान नहीं हो रहा है। मैं करूंगी फोन और कहूंगी, सलोन विधानसभा क्षेत्र अमेठी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए। आप होंगे बड़े रिपोर्टर, लेकिन आपको जनता का अपमान करने का अधिकार नहीं। आइंदा मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत कीजिएगा। हम लोग दो शब्द बोलने के लिए भैया, आगे से मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिएगा जी, मैं बहुत प्यार से निवेदन कर रही हूँ। अब अमेठी से वीडियो वायरल हुआ तो कांग्रेस ने इसे हथियार बना लिया। कांग्रेस ने उसके आधार पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को घेरा, आरोप लगाया कि मंत्री ने एक बड़े अखबार के रिपोर्टर को धमकाया। कांग्रेस ने ट्वीट कर केंद्रीय मंत्री के बारे में कहा, अमेठी की जनता से बदतमीजी ना करें, यह अनुरोध था। जहां तक सवालों का विषय है तो बताएं, अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी से कब डिबेट करनी है? तब तक उस रिपोर्टर की पहचान पर संदेह के बादल छा गए, जिस मीडिया संस्थान दैनिक भास्कर से जुड़े होने का वो दावा कर रहा था। उन्होंने कहा कि अमेठी में उनका कोई पत्रकार नहीं। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस के ट्वीट को कोट करते हुए लिखा, हे दिव्य प्राणी, ये तो दिव्यता की पराकाष्ठा है, रिपोर्टर फेक निकला। दरअसल स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर थीं। कुछ पत्रकारों ने उन्हें घेर कर सवाल पूछे। एक ही सवाल पर स्मृति ने कहा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र का अपमान मत करो, तुम भास्कर से हो तो क्या? मंत्री ने हल्की सी मुस्कान दी, उंगली दिखाते हुए कहा, आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे तो मैं आपके मालिकान को फोन कर कहूंगी, पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता के अपमान का। केंद्रीय मंत्री अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी की सलोन विधानसभा में गई थी। गांव वालों की फरियादें सुनने के बाद जब वो लौट रही थी तो कुछ पत्रकारों ने घेर लिया। उन्हीं में से किसी ने एक सवाल पूछा, जिस पर स्मृति ने कहा, मेरे लोकसभा क्षेत्र का अपमान मत करो। इसके बाद वो दैनिक भास्कर के मालिक को फोन कर शिकायत की बात करती हैं। कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से वीडियो ट्वीट किया गया, कैप्शन में लिखा, स्मृति ईरानी जी पत्रकार को धमका रही हैं, मालिक को फोन कर नौकरी खाने का विचार है। लगता है पत्रकार ने पूछ लिया होगा, 13 रुपए में चीनी कब मिलेगी, या गैस सिलेंडर के दाम कम कब होंगे, या बेटियों के साथ हुए अत्याचार पर चुप क्यों हैं? जवाब देते ना बना तो धमकी पर उतर आए स्मृति ईरानी जी, क्योंकि आप समझना चाह रही थी ये मोहब्बत नहीं है। हालांकि थोड़ी देर बाद दैनिक भास्कर ने ऑफिशियल हैंडल से सफाई दी, कहा विपिन यादव नाम का जो पत्रकार खुद को दैनिक भास्कर का रिपोर्टर बता रहा है वो गलत है। अमेठी लोकसभा के क्षेत्र में दैनिक भास्कर का कोई स्थायी पत्रकार कार्यरत नहीं, यहाँ दैनिक भास्कर अपने स्ट्रिंगर नेटवर्क से खबरें देता है, लेकिन विपिन भास्कर के स्ट्रिंगर नहीं है। दैनिक भास्कर के ट्वीट को कोट कर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर फिर हमला बोला, हे दिव्य प्राणी, ये तो दिव्यता की पराकाष्ठा है, रिपोर्टर फेक निकला। चलिए दूसरे वीडियो का किस्सा बताते हैं, जिसमें स्मृति ईरानी खिलखिलाकर हंस रही है। अच्छा,
दरअसल स्मृति अमेठी प्रवास के दौरान ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुन रही थी। इस दौरान कार्यक्रम में प्रियंका गांधी की फोटो वाली टी शर्ट पहने एक बुजुर्ग भी पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने बुजुर्ग से बातचीत की। बुजुर्ग को देखकर केंद्रीय मंत्री अपनी हंसी रोक नहीं पाई। केंद्रीय मंत्री ने बुजुर्ग से कहा, टी शर्ट पर क्या पहने हो, आपने टी शर्ट देखी है दादाजी? ये सुन बुजुर्ग हाथ जोड़ केंद्रीय मंत्री के सामने खड़े रहे। इस पर हंसते हुए स्मृति ने कहा, अब तो टी शर्ट पहने हुए हो, धड़ल्ले से पहने, गमछे से काहे ढकते हो। दरअसल ये बुजुर्ग अपनी वृद्धा पेंशन शुरू कराने के लिए पहुंचे थे। इस पर बुजुर्ग ने फिर कुछ कहा तो स्मृति खुलकर हंसने लगी। स्मृति ने पूछा कि पहले पेंशन मिलती थी? इस पर उन्होंने कहा नहीं। केंद्रीय मंत्री ने कहा, इनका नाम दर्ज कराइए पहले। इस पर पीछे से किसी ने कहा, ये टी शर्ट दिया हुआ है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने अमेठी में बेधोना, कुबरमऊ, बेवल, कूढ़ा, कांटा और सरायन गांव के स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत की। उन्होंने वहां मौजूद लोक सेवा विभाग के अधिकारियों से त्वरित कार्रवाई करने को कहा। Thank you.